मोदी सरकार को सुप्रीम अदालत से सुप्रीम झटका। सर्वोच्च अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद करने का निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर बैन लगाया गया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्या कहा? विपक्ष को मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिल गया। कानून सबके लिए बराबर होता है, जो विपक्ष राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में देने के बाद सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार के हाथों की कठपुतली बोल रहा था, आज वही विपक्ष उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फूला नहीं समा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वागत योग्य बता रहा है। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है और इस फैसले से मोदी सरकार को जहां बहुत बड़ा झटका लगा है, वहीं विपक्षियों की तो मानो बाछे खिल गई है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है और मोदी सरकार से किसी और विकल्प को तलाशने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की आलोचना करते हुए कहा है कि राजनीतिक पार्टियों को हो रही फंडिंग की जानकारी मिलना बेहद जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट के फैसले की मुख्य बातों पर अगर गौर करें तो चुनावी बॉन्ड योजना आयकर अधिनियम की धारा 139 द्वारा संशोधित धारा 29(1)(c) और वित्त अधिनियम 2017 द्वारा संशोधित धारा 13(b) का प्रावधान अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। भारतीय स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों और उनसे प्राप्त जानकारी की डिटेल जारी करें, साथ ही इसे मार्च तक ECI को सौंपे। चुनाव आयोग को 13 मार्च तक इस जानकारी को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा। राजनीतिक दल इसके बाद खरीदारों के खाते में चुनावी बॉन्ड का राशि वापस कर देंगे। इस योजना से सत्ताधारी पार्टी को फायदा उठाने में मदद मिलेगी। चुनावी बॉन्ड योजना को ये कहकर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि इससे राजनीति में काले धन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। दानदाताओं की गोपनीयता महत्वपूर्ण है, लेकिन पूर्ण छूट देकर राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता हासिल नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है। हालांकि पीठ में दो विचार अलग भी थे, लेकिन पीठ ने सर्वसम्मति से चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में SBI बैंक को 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है। जी, SBI को इसलिए क्योंकि SBI की चुनिंदा शाखाओं में ही इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते थे। जिन 29 शाखाओं से बॉन्ड्स खरीदे जा सकते थे उनमें नई दिल्ली, गांधीनगर, चंडीगढ़, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी समेत कई शहर शामिल हैं। अब आप अगर ये पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रोक से पहले इन्हें कौन खरीद सकता था और इनकी कीमत क्या होती थी, तो हम आपको बताते हैं। इस इलेक्टोरल बॉन्ड को कोई भी खरीद सकता है। इन बॉन्ड्स को भारत का कोई भी नागरिक, कंपनी या संस्था चुनावी चंदे के लिए खरीद सकती है। ये बॉन्ड 1,000, 10,000, 1,00,000 और 1,00,00,000 रुपए तक के हो सकते हैं। देश का कोई भी नागरिक किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहता है तो उसे SBI से चुनावी बॉन्ड खरीदने होते थे। ये बॉन्ड खरीद कर पार्टी को दे सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने ऐसी किसी भी गतिविधि पर रोक लगा दी है। कौन जारी करता है ये इलेक्टोरल बॉन्ड? सरकार की तरफ से RBI ही इन बॉन्ड्स को जारी करता है। दान देने वाला बैंक से बॉन्ड खरीद कर किसी भी पार्टी को दे सकता है, फिर राजनीतिक पार्टी अपने खाते में बॉन्ड भुना सकती है। बॉन्ड से पता नहीं चलता कि चंदा किसने दिया है और ये बॉन्ड जब बैंक जारी करता है तो इसको लेने की अवधि 15 दिन की होती है। हालांकि इस चुनावी बॉन्ड को खरीदने वाले को इनकम टैक्स में छूट के अलावा और कोई फायदा नहीं मिलता है, तो सवाल उठ सकता है तो फिर इस चुनावी बॉन्ड से किसे फायदा मिलता है? चुनावी बॉन्ड खरीद कर किसी पार्टी को देने से बॉन्ड खरीदने वाले को कोई फायदा नहीं होता, ना ही पैसे का कोई रिटर्न है। ये अमाउंट पॉलिटिकल पार्टियों को दिए जाने वाले दान की तरह है। इसमें ATGG और ATGGB के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलती है। हालांकि सवाल ये भी उठ सकता है कि ऐसा इन चुनावी बॉन्ड को लेकर क्या हंगामा हुआ जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। पहले चुनावी बॉन्ड के जरिए जो सियासी दलों को धन मिलता था उसे वो गुप्त रख सकते थे, लेकिन पिछले दिनों इस पर बहुत विवाद हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस नेता जया ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म समेत 4 लोगों ने याचिकाएं दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं का पक्ष था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गुपचुप फंडिंग में पारदर्शिता प्रभावित होती है, ये सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करती है।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इसमें शेष कंपनियों की तरफ से भी दान देने की अनुमति दी गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई पिछले साल ही शुरू हुई थी और अब लगातार हो रही सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सभी राजनीतिक दलों को इलेक्शन कमीशन के समक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी देनी होगी। इसके साथ दलों को बैंक डिटेल्स भी साझा करनी होगी। अदालत ने यह भी कहा कि राजनीतिक दल आयोग को एक सील बंद लिफाफे में सारी जानकारी दें, लेकिन ये मामला केवल यहीं तक नहीं थमा बल्कि इस पूरे चुनावी बॉन्ड स्कीम की वैधता को ही चुनौती दे दी गई। और अब वो चुनावी बॉन्ड प्रणाली जिसे साल 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और साल 2018 में लागू किया गया था वो खत्म कर दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड दाता की गुमनामी बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं हेतु एक साधन के रूप में काम करते हैं केवल वो राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत है, जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा या विधानसभा के लिए डाले गए वोटों में कम से कम 1% वोट हासिल किए हों, वो ही चुनावी बॉन्ड हासिल करने के पात्र थे। लेकिन अब तो इसे कोई भी हासिल नहीं कर सकता और कैसे भी नहीं। कोर्ट ने इस मामले को लेकर 31 अक्टूबर से नियमित सुनवाई शुरू की थी। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने की। सुनवाई के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से दलीलें दी गईं और कोर्ट ने सभी पक्षों को गंभीरता से सुनते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे जब गुरुवार को कोर्ट ने सुनाया है तो मोदी सरकार के पैरों तले जमीन खिसकाने वाला था जबकि विपक्षियों की बाछें खिला देने वाला था। आपको बता दें 2017 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी बॉन्ड की घोषणा की थी। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई कर लिया था। साल 2017 में इसे चुनौती दी गई थी। 2019 में इस मामले पर सुनवाई की गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड को बैंक नोट भी कहा जाता है। ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है और क्योंकि बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान को गुप्त रखा जाता है और फिर बीजेपी को इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा मिलता भी आया है, तो इससे विपक्ष तिलमिला गया और पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, जहां फैसला भी लगता है जैसे विपक्ष के ही पक्ष में दे दिया गया है। वैसे आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस चुनावी बॉन्ड पर लगे बैन के बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्रक इट डाउन एंड ऑल द प्रोविजंस दैट वर मेड टू ब्रिंग इट इनटू इफेक्ट in the Income Tax Act, in the Companies Act, etc., everything has been struck down. They have held that this violates the fundamental right to information of citizens to know about who is contributing this much money to political parties, etc. They have also struck down the amendment made which allowed unlimited political contribution being made by companies to political parties. So, not only the electoral bond scheme, but also the amendment which removed the restrictions on political contributions by companies, which were that you cannot contribute more than 7.5% of your annual profit by way of political contributions, that has also been struck down as violating the level playing field in a democracy. So the petitions filed by us have been comprehensively allowed by the